वैसे तो आप लोग जानते होंगे कि भारत में 11,000 से अधिक भाषाएं बोलने वाले लोग पाए जाते हैं। यानी आप समझ रहे हैं कि 11,000 2011 की जनगणना के अनुसार हम लोग आंकड़े देखें तो ऐसे लोग हैं जो 11,000 भाषाएं बोलती हैं अलग अलग क्षेत्र के, जिनमें से आप देखते हैं कि 22 भाषाओं का आपका मान्यता भी मिली हुई है संविधान में 8वीं अनुसूची के तहत। तो ये कभी मुख्य न्यायाधीश भारत के जो मुख्य न्यायाधीश ने शासन कार्यों में हिंदी और अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाओं को भी शामिल किए जाने की आवश्यकता बताई है। ये मुद्दा आज से नहीं, बहुत पहले से उठता आ रहा है। आप खुद सोचिए, मान लीजिए या दिल्ली में निर्णय आ रहा है कोई भी किसी भी तरह का, ठीक है, या कोई भी योजना है आपकी सरकार योजना चला रही है, केंद्र सरकार, वो हिंदी इंग्लिश में निकाल रही है, लेकिन आप सोचिए कि ऐसे भी तो लोग होंगे जो हिंदी ना जानते हो और इंग्लिश भी ना जानते हो। इंग्लिश तो आप भी जानते हैं कि जो निचले तबके का व्यक्ति है वो कम ही जानता है इंग्लिश। तो आप समझिए, जैसे बंगाली भाषा बोलने वाला हो गया वो कैसे समझ पाएगा, असमिया वाला हो गया, बोडो वाला हो गया, डोंगरी, गुजराती, तमिल, तेलुगु। तमिल में तो आप देखते हैं, तमिलनाडु में तो इसका विरोध भी होता है कि उनकी त्रिभाषा सूत्र की बात की जाती है, यानी कि हिंदी, अंग्रेजी और एक क्षेत्रीय भाषा, लेकिन वो लोग कहते हैं कि दो ही भाषा होनी चाहिए, एक एक आपकी क्षेत्रीय भाषा, दूसरी अंग्रेजी। तो इसमें काफी विरोध बना रहे हैं। तो ये अच्छा एक तरह से कामयाब अगर ऐसा हो सकता है, तो आप सोचिए कि आपकी जो केंद्र सरकार है कोई भी निर्देश दे रही है तो उसमें कम से कम भारत जो क्षेत्रीय भाषा बोलने वाला होगा वो भी समझ जाएगा आराम से। वही हाल है कि आप जाइए किसी क्षेत्र में और आप किसी भी भाषा, अन्य भाषा में वहां कुछ भी कहिए, वो लोग समझ ही ना पाएंगे क्योंकि उनकी जो भाषा है वो अलग है आपके बोलने से। तो आपको कोई कॉमन भाषा तो चुननी होगी कि सबको समझ में आ जाए, समझ रहे हैं आप लोग। तो इसी की बात की जा रही है। सरकार को अन्य भाषाओं के को शासन कार्यों में शामिल करने के लिए राजभाषा अधिनियम 1963 में संशोधन करने की आवश्यकता होगी। कहने का मतलब है कि जो राजभाषा अधिनियम 1963 है, अगर इस तरह का प्रावधान लागू होता है तो उसमें संशोधन करने की आवश्यकता होगी। हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना 2020 का अनुवाद संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में अनुवाद करने का निर्णय किया है। आप समझ में रहे, पहले हिंदी और अंग्रेजी में बहुत से बहुत हो जाता था, लेकिन अब सभी भाषाओं में 22 जो भाषा है उनमें तो कम से कम किया जाएगा। भारत संघ द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय की वैधता को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। अब सोचिए, भारत संघ द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय की वैधता को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। आप खुद सोचिए, एक तरह से सर्वोच्च न्यायालय का, यानी कि जो दिल्ली उच्च न्यायालय का निर्णय था वो सही था या भारत का संघ जो है वो सही है। तो आप समझेंगे कि मतलब वो तो जो भी उच्च न्यायालय है वो तो ये कह रहा है कि सबके पास इस तरह की सूचना पहुंचनी चाहिए, सबको जानकारी होनी चाहिए। जम्मू और कश्मीर में नवीन आधिकारिक भाषा है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू और कश्मीर में आधिकारिक भाषा के रूप में उर्दू और अंग्रेजी के अलावा हिंदी, कश्मीरी और डोगरी को मान्यता देने वाले विधेयक को भी मंजूरी दी है। क्योंकि आज अभी देख रहे हैं आप लोग कि जम्मू कश्मीर को 2019 में 370 वहां से खत्म कर दी गई है और आपके दो भागों में बांट दिया गया, इससे भी क्वेश्चंस बन जाएंगे, लद्दाख और दूसरा है आपका जम्मू कश्मीर। लद्दाख में आपकी विधानसभा नहीं होगी, जम्मू कश्मीर में विधानसभा होगी। और याद रखिए, 2021 के आंकड़े आने के बाद या वहां चुनाव हो जाने के बाद आपको सभी जानकारी मिल जाएगी, क्योंकि अभी क्लियर कुछ जानकारी नहीं है वहां के बारे में, ठीक है। इससे पहले राज्य में केवल अंग्रेजी और उर्दू को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त थी। यहाँ ध्यान देने योग्य तथ्य यह भी है कि जम्मू कश्मीर को दो भागों में विभक्त करने वाले जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को 5 अगस्त को राज्यसभा में पेश किया गया। इसमें लद्दाख को अलग कर केंद्र शासित क्षेत्र बनाया गया। अब बात करते हैं राजभाषा अधिनियम 1963 की। राजभाषा अधिनियम 1963 वर्ष 1967 में से संशोधन भी किया गया था। निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली भाषाओं को निर्धारित करता है। संघ के आधिकारिक उद्देश्य के लिए भाषा, संसदीय कार्यवाही के लिए भाषा, केंद्रीय और राज्य अधिनियमों के लिए भाषा, उच्च न्यायालयों में निश्चित उद्देश्य के लिए भाषा, ये सभी उद्देश्य इसमें समाहित है एक तरह से। फिर आपकी बात करते हैं राजभाषा पर समिति। समिति का यह कर्तव्य होगा कि वह संघ के आधिकारिक उद्देश्यों के लिए
हिंदी के उपयोग में हुई प्रगति की समीक्षा करे तथा आवश्यक सिफारिशों के साथ इसे राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट भी सौंपे। राष्ट्रपति द्वारा रिपोर्ट को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा और इसे सभी राज्य सरकारों को भेजा जाएगा। राजभाषा समिति में 30 सदस्य शामिल होंगे। कितने? 30, याद रखिए 30, जिसमें से 20 सदस्य आपके लोकसभा से और 10 सदस्य आपकी राज्यसभा से होते हैं, ठीक है। सदस्यों का चुनाव की बात करें तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा, जिस तरह से आप देखते हैं राष्ट्रपति का चुनाव इसी पद्धति के द्वारा होता है, तो उसी तरह। अब बात कर लेते हैं संवैधानिक प्रावधानों की। भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक, इसे भी याद रखिए, कई बार बन जाता है क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी और आपका मेंस में भी इस तरह के आंकड़े डालने के लिए होते हैं। तो संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा से संबंधित उपबंध शामिल किए गए। राजभाषा के उपबंध 4 शीर्षकों, संघ की भाषा, क्षेत्रीय भाषा, न्यायपालिका और विधि के पाठ एवं अन्य विशेष निर्देशों की भाषा के रूप में शामिल किए गए। संघ की अगर भाषा की बात करें तो संविधान लागू होने के 15 वर्षों यानी कि 1950 से 1965 के बीच की अवधि के बाद ही हिंदी के अलावा अंग्रेजी भाषा का प्रयोग आधिकारिक रूप से जारी रहेगा। इसमें निम्नलिखित कार्य शामिल है। संघ के सभी आधिकारिक उद्देश्यों के लिए भाषा और संसदीय कार्यवाही संचालन की भाषा, अभी आपको देखने को मिलेगा अंग्रेजी सब जगह यूज होती थी, पर उसके बाद आप दोबारा देखते थे तो बहुत से बहुत हिंदी में उसका रूपांतरण भी कर दिया जाता था, इस एक तरह से बदल दिया जाता। अब लेकिन सभी क्षेत्रीय भाषाओं में बात की जा रही है। क्षेत्रीय भाषा, संविधान में राज्यों के लिए किसी विशेष भाषा का उल्लेख नहीं किया गया। किसी राज्य की विधायिका उस राज्य में एक या अधिक भाषा अथवा हिंदी का चुनाव आधिकारिक भाषा के रूप में कर सकती है। राज्यों द्वारा आधिकारिक भाषा का चुनाव संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित भाषाओं तक सीमित नहीं है। केंद्र तथा राज्यों अथवा दो या दो से अधिक राज्यों के बीच संवाद के रूप में अंग्रेजी, हिंदी, हिंदी के प्रयोग के लिए सहमति आवश्यक है, कब प्रयोग किया जा सकेगा। मैंने पीछे भी बता चुका हूँ आप लोगों को, आपको अगर किसी को अच्छे से समझाना है तो उसकी क्षेत्रीय भाषा यानी कि उसकी भाषा में समझाना होगा, ना कि आप बोलते हैं आप जानते हैं उन भाषाओं में, समझ रहे हैं आप। मुझे लगता है कि उत्तर भारत में आप जाएंगे तो अगर हिंदी में बोलेंगे तो हर कोई समझ जाएगा, अगर इंग्लिश में बोलेंगे आप लोग तो ना के बराबर लोग समझ पाएंगे, क्योंकि आप भी जानते हैं कि कितनी बुरी स्थिति है। साक्षरता का मतलब ये बिल्कुल मत लगाइएगा कि वो इंग्लिश जानते होंगे, वो भी है, बेहतर शिक्षा मिली होगी, जो वो लिख सकता है अपना नाम डाल सकता है उसे साक्षर कर दिया जाता है। तो आप जानते हैं कि नाम तो हर कोई डाल लेता है मुझे लगता है इस समय, तो ये हालत है। न्यायपालिका की भाषा और विधि पाठ, जब तक संसद अन्यथा उपबंध नहीं करती न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय की कार्रवाई अंग्रेजी में होगी। आप समझ रहे हैं अंग्रेज चले गए छोड़ के, लेकिन अभी भी अंग्रेजी में हो रही है। केंद्र स्तर पर विधेयकों, अधिनियमों, अध्यादेश, नियमों, उपनियमों की का आधिकारिक पाठ अंग्रेजी में होगा। आप सोचिए अभी भी हम चल रहे वही है कि आगे हम लोग 21वीं सदी में और चल रहे हैं बाबा आदम जमाने के प्रावधानों पर, तो हिंदी में देखिए आप लोग, हिंदी कम से कम हिंदी में तो आपको देना चाहिए था। हालांकि राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से हिंदी अथवा किसी अन्य राजभाषा को उच्च न्यायालय की कार्यवाही की भाषा का दर्जा दे सकता है। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय में हिंदी के प्रयोग के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूं। विशेष निर्देश की बात करूं तो संविधान में भाषाई अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा तथा हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए कुछ विशिष्ट निर्देश, यथा भाषाई अल्पसंख्यकों की शिकायत का निवारण, मातृभाषा में शिक्षा आदि दिए गए हैं। 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं आपकी शामिल है इन्हें भी देख लीजिए आप लोग। संविधान की 8वीं अनुसूची में आपकी 22 भाषाएं हैं, अभी करंट की बात कर रहा हूँ, लेकिन मूल रूप से आपको देखने को मिलेगा कि 14 भाषाएं थी जब हमारा संविधान लागू हुआ। ये कौन कौन सी है 22? असमिया बंगाली, बोडो डोगरी, गुजराती हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मैतेई जिसे मणिपुरी भी बोलते हैं, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू, ये आपकी याद रखने हैं। भारत में भाषाई विविधता की बात करें तो यूनेस्को ने भारत को सबसे अधिक भाषाई रूप से विविध देशों में से एक रूप में मान्यता दी है, जिसमें 22 अनुसूचित भाषाएं, सैकड़ों स्थानीय भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं।
इसमें आपने देखा है 22 भाषाएं तो वो चुनी गई हैं जो संविधान में आपने देखा है, लेकिन आपको बताया 11,000 से अधिक भाषाएं बोली जाती है हमारे देश में। देखेंगे आप लोग, भाषा केवल संचार का एक साधन नहीं है बल्कि ये भी भारत की समृद्ध संस्कृति, विरासत और परंपराओं का प्रतीक है। कहाँ का? परंपराओं का प्रतीक है। लास्ट में हम लोग कह सकते हैं कि सरकार को लोगों की आकांक्षाओं के प्रति संवेदनशील होना होगा चाहिए। लोगों पर किसी एक भाषा को जबरदस्ती थोपने के किसी भी प्रयास को रोका जाना चाहिए, थोपने के लिए किसी के प्रयास को नहीं रोका जाना चाहिए। एक तरह से आप तो जबरदस्ती नहीं ठोकना चाहिए किसी। एक बात आप सीधी सी समझ लीजिए कि देखिए, आप किसी पर जबरदस्ती कुछ थोप रोक मतलब एक तरह से थोप नहीं सकते हैं। आप उपलब्ध करा दीजिए सभी भाषाओं में, जिसे जिसमें सहूलियत होगी वो अपने हिसाब से यूज कर लेगा, उसका पढ़ लेगा अपने हिसाब से, समझे। आधिकारिक कार्यों में 8वीं अनुसूची में शामिल अधिक से अधिक भाषाओं के प्रयोग को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए तथा स्थानीय भाषाओं में अनुवाद करने की दिशा में व्यापक मानव कौशल को प्रोत्साहन देना चाहिए। कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसी उन्नत उन्नत तकनीकों का उपयोग प्राचीन क्षेत्रीय ग्रंथों के अनुवाद और डिजिटलीकरण के लिए किया जा सकता है। और याद रखिए, बड़ा कोई काम नहीं है। आप जिला कलेक्टर को आप समझिए दे दीजिए इस तरह का काम कि वो अपनी इंग्लिश में आपने दे दिया, जिला कलेक्टर को दे दीजिए, वो बदल देगा उस क्षेत्रीय भाषा में। तो इसे कुछ ज्यादा वो नहीं है, बस आपको देखिए काम करना होगा उस। आप सोचिए बिना काम के कुछ हो जाए, आप सोचिए योजना हर कोई लागू हो सकती है, लेकिन कम से कम उसे लागू करने के लिए कोई रणनीति तो होनी चाहिए। तो ये है, इससे क्वेश्चन आपके बनते रहे, ठीक है।